हिमाचल प्रदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक केडी हिमाचली ने बताया कि तीन तलाक बिल के पास होने के बाद हिमाचल में मुसलमान महिलाएं गदगद हैं। हिमाचल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा अब निकाह हलाला और एक से ज्यादा विवाह प्रथा का अंत करने की लड़ाई शुरू करने की बात कही है। इस बाबत जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उस पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। बिलासपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक केडी हिमाचली ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल में तीन तलाक के केस बेहद कम हैं। बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों से एक एक मामला हो चुका है, लेकिन ये आंकड़ा देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित बिल के बाद मुस्लिम महिलाओं ने राहत की सांस लिया और इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मोदी सरकार से देश में सिविल कॉमन कोड लागू करने की वकालत भी की। मैं बलकेश चौधरी बिलासपुर की रहने वाली हूँ, जिला सिंगरौर मुस्लिम कमेटी की सिंगर हूँ। और जो मोदी जी ने ये तीन तलाक का बिल पास किया है, उससे हम महिलाओं को बहुत खुशी है। जो हम डर डर के जीते थे, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी हर औरत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल पारित होने पर देश भर में मुस्लिम समुदाय में महिलाओं में खुशी की लहर है। उन्होंने विशेष तौर पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार का तहदिल से आभार जताया, जिन्होंने तीन तलाक बिल के हक में वोट डालकर इसे कानून की शक्ल दी है। इसके लिए मुस्लिम महिलाएं, बहनें और माताओं को अब खौफनाक जीवन जीना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगातार 1400 सालों से चली आ रही सामाजिक बुराई का खात्मा हुआ है और ये साहस मोदी सरकार ने दिखाया है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक के कानून शक्ल अख्तियार करने के बाद मुस्लिम महिलाएं कानूनी तौर पर ताकतवर हुई हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की तर्ज पर देश में मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया जाना चाहिए, जिसमें निकाह हलाला और बहुपत्नी प्रथा का अंत किया जाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। भारत के लोकसभा व राज्यसभा में उन तमाम सांसदों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बिल के हक में वोट दिया। और मैं देश की लाखों लाख मुस्लिम माताओं, बहनों व बेटियों को मुबारकबाद देता हूं, उनको जिनके हक में ये बिल पास हुआ है। आज के बाद जब ये कानून बन गया तो उनकी ज़िंदगी एक इज्जत के साथ जीने की हो गई, नहीं तो उनके साथ हमेशा अन्याय होता था। अब ना तो उनको फतवों का डर रहा और ना ही उनको कोई बिना कसूर के बिना वजह तलाक दे सकेगा। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये ऐतिहासिक निर्णय है और ये साहब सिर्फ मोदी जी ही कर पाए, जिन्होंने 1400 साल पुरानी कुप्रथा को एक ही झटके से ख़त्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान में ही इसका विरोध क्यों। 23 मुस्लिम देशों ने पहले ही ये कानून बना दिया है, तीन तलाक के खिलाफ कानून है। भारत में जब पास हुआ तो कई लोगों के पेट में राजनीतिक कारणों से दर्द हो गई और कुछ लोगों की धार्मिक दुकानें बंद हो गई, जो लाखों लाख रुपया कमाते थे, लोगों को निकाह हलाला के नाम से कोई दूसरे कारणों से गुमराह करके अपनी दुकानें चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद हुई, उनको तो तकलीफ हो रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सामाजिक रिफॉर्म